Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Kamal Khan again. I'm a cosmetic surgeon by profession and I'm working as assistant professor of plastic surgery and burns at Bulan Medical College, Quetta. Today's topic is very important. This is basically hemifacial microsomia. Hemifacial microsomia, if we talk about it in the common way, it's a disease in which your face ka ek hissa, ek part, वो लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है जो कि ग्रो नहीं करता. मतलब ये है कि आपका फेस का राइट हिस्सा नॉर्मल होगा तो लेफ्ट साइड उसकी निस्बत काफ़ी छोटा होगा. उसमें आपकी बोन भी ग्रो नहीं करती, आपकी नाक का एक पार्ट छोटा होगा, आपका होंठ भी छोटा होगा, आपका एक गाल भी छोटा होगा, पूरा का पूरा मैंडिबल भी आपका छोटा होगा. तो दिस इज़ हमारी प्लास्टिक सर्जरी टर्म्स में इसको हेमीफेशियल माइक्रोसमिया कहते हैं और ये एक पैदाइशी बीमारी होती है. और ये जब बंदा मतलब जवानी में एंटर होता है जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं तो उस टाइम ये एग्रेवेट होती है और ये कुछ साल तक आपको बच्चा इनिशियली ठीक होता है. जैसे ही वो जवानी की तरफ जाता है या जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं उसकी तरफ जाता है तो उसको उसका एक फेस का एक साइड सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वो बीमारी 7 to 10 ईयर्स में पूरी की पूरी इस्टेब्लिश हो जाती है. हमारे प्लास्टिक सर्जन का काम है कि उसको वापस नॉर्मलाइज करना. उसको नॉर्मलाइज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं. हम जिस्म का एक किसी एक जगह से स्किन के साथ फैट लेके वो भी जाके ट्रांसफ़र करते हैं जिसको हम फ्री फ्लैप्स कहते हैं. और एक तरीका इसका ये है कि हम मुख्तलिफ बने बनाए हमारे पास इम्प्लांट्स होते हैं जिसके जो हम फेस के उन पोर्शंस में डाल देते हैं जो कि ग्रो नहीं करते. लेट्स से कि हम मैंडिबल का एक इम्प्लांट आता है वो मैंडिबल में डाल देते हैं, चिन का इम्प्लांट आता है वो चिन में डाल देते हैं और उसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं विद फैट ग्राफ्टिंग. जो आज का केस है हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें हमने कुछ इसी तरह किया है कि पेशेंट जो हमारे पास आया उसका एक साइड का फेस छोटा था और ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. हम आपको वो प्रोसेस पूरा का पूरा दिखाएंगे. इनिशियली पेशेंट की इवेल्यूशन हमने की और उसमें हमने एग्जैक्टली उसके जो फेशियल फीचर्स थे अपोजिट साइड के नॉर्मल साइड के वो हमने मेजर किए और हमने उसके लिए स्पेसिफिक इम्प्लांट्स ऑर्डर किए. एंड टुडेज केस आप देखें कि इनका ये राइट साइड नॉर्मल है और लेफ्ट साइड पे मैंडिबल की डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई, यानी कि मैंडिबल साइड पे शॉर्ट है, सॉफ्ट टिश्यू का बल्ब भी शॉर्ट है, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू भी कम है, मैंडिबल की लेंथ भी छोटी है. और आप अगर गौर से देखें तो अपर और लोअर लिप्स भी यहाँ पे छोटे हैं, नोज भी इफेक्टिव है. उसके बाद हमने नॉर्मली हेपेटाइटिस बी सी एच आई वी टेस्ट करा के उसको हमने थिएटर में शिफ्ट किया और थिएटर में शिफ्ट करने के बाद हमने प्रॉपर डाइसेक्शन करके मुंह के अंदर से ताकि कोई स्कार उसका ना बने हमने वो इम्प्लांट्स फेस के अंदर इंसर्ट किए. सेकेंडली हमने ये किया कि हमने उसकी एब्डोमेन से फैट हार्वेस्ट की और वो फैट हमने उस एरियाज में जहाँ पे फैट डेफिशिएंट थी या सॉफ्ट टिश्यू डेफिशिएंट था उस एरिया में हमने वो फैट ग्राफ्टिंग की है. उसके बाद पेशेंट को नॉर्मली एनेस्थीसिया से आउट करके रिकवरी रूम में ले जाया जाता है और रिकवरी रूम में ले जाने के बाद पेशेंट को सेम डे पे हम डिस्चार्ज कर दिया. पेशेंट का एक हफ्ते के बाद हमने रिव्यू किया और एक हफ्ते में के बाद उसकी पेशेंट के फीचर्स काफ़ी सारे बेहतर हो गए थे. इनिशियली तो इस डिज़ीज़ में चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें मुतासर होती हैं तो फर्स्ट स्टेज में हमने उसका मैंडिबल प्लस चीक वाला एरिया इन्हांस किया है. सेकेंड स्टेज में हम उनका लिप और नोज के फीचर्स को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे. ये वीडियो मैंने इस वजह से किया है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से मुतासर होते हैं और उनके वालदैन को प्रॉपरली मालूम नहीं होता कि इसकी भी ट्रीटमेंट मौजूद है. ये एक ऑप्शन है जो हमने ऑप्ट की है, इम्प्लांट प्लस फैट ग्राफ्टिंग. इसकी मल्टीपल ऑप्शंस है, डिफरेंट प्लास्टिक सर्जन डिफरेंट ऑप्शंस पे जाते हैं तो ये एक बड़ी वैलिड ऑप्शन है और इस पर ये वीडियो आप देख सकते हैं.
और इसके अलावा अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज़ इस वीडियो में अगर मिस की हो मैंने तो आप यू कैन ऑलवेज आस्क आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू थैंक यू सो मच